इस बार यूपी में चुनाव के कारण बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए इस साल 20 अगस्त को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा आपको पास करनी होगी। इस परीक्षा में लगभग 20,73,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो आपके और आपकी सरकारी नौकरी के बीच के पहले पड़ाव पीईटी में नैया पार करवाने के लिए एग्जामपुर भारत की सबसे धुरंधर टीम के साथ आपके लिए लेकर आया है टारगेट 45 दिन अभिमन्यु बैच, जिसमें ना सिर्फ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, बल्कि गुरु की गाइड भी। जिसका मूल्य ₹270 है, वह इस कोर्स के साथ आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जाएं प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप और ज्वाइन करें अभिमन्यु बैच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। यह आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो बेहतरीन होगा कि अगर आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन समय पर आए। चलो, तो क्लास शुरू होती है। यह आपके 6 घंटे के करंट अफेयर करवाए जाएंगे 6 महीने के लिए, 10 जुलाई को, यानी कल सुबह 6 बजे से, देखना ना भूले, ठीक है। चलो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वो क्या है? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये किसका एक सॉलिड फॉर्म होता है, जल्दी बताओ जरा। चलो, ड्राई आइस, ड्राई आइस, देखो ये सारे जो एग्जाम्स है ना, अभी आपका लॉकडाउन खुला है तो सरकार सेंटर तैयार कर रही होगी आपके, जस्ट जड़ा धड़ शुरू हो जाएंगे एग्जाम, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। चलो, जल्दी आप लोग इसका आंसर दो, शुष्क बर्फ का बिल्कुल सही आंसर। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई साहब, जब भी आप पर्यावरण में हो, पर्यावरण में बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन भी हो, जब आप सांस लेते हो नाइट्रोजन भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, बाकी गैसेस भी जाती हैं। तो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो बाकी सारी गैसेस को एक अलग नाड़ी है जो बाहर निकाल देती है, सबसे पहली बात। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठंडा कर दिया जाता है तो वो ड्राई आइस का काम करती है, ठीक है, ये कूलिंग एजेंट के रूप में काम करती है, इस बात को याद रखना। किसके रूप में काम करती है? एक कूलिंग एजेंट के रूप में ये काम करती है, ठीक है। चलो, क्या बात है, चलो क्रिकेट के बल्ले बनाने में निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने में निम्नलिखित में से किस लकड़ी का, नहीं लकड़ी का उपयोग किया जाता है, बताओ जरा। क्रिकेट के बल्ले, भाई साहब सभी क्रिकेट के मैचों में जो क्रिकेट के बल्ले इस्तेमाल होते हैं, जल्दी बताओ जरा। सीधा आंसर डायरेक्ट फॉर्म में पूछ लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चलो बताओ जरा। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या आता है? सैलिक्स परपूरिया, सैलिक्स परपूरिया, ठीक है, ये क्या होते हैं? क्रिकेट के बल्ले इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो, अगला प्रश्न, प्रश्न लचर किसे के महत्वपूर्ण होते हैं, बताओ जरा। व्हाट इज द टल्चर इंपॉर्टेंट फॉर, जो ये टल्चर होते हैं किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जल्दी बताओ जरा। चलो, टल्चर किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? टल्चर, टल्चर। साथियों, एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, चलिए क्लास को शेयर करके उसी रैंक पर पहुंचा दीजिए जहां पर आपकी ये क्लास होनी चाहिए, चलिए बताओ जरा। चलो, दबा के शेयर कर दो एक बार,
बिल्कुल सही, भारी पानी का पौधा, हैवी वाटर प्लांट, ठीक है, क्या है? टल्चर हैवी वाटर प्लांट, क्या इसका आंसर आता है टल्चर पे? हैवी वाटर प्लांट, ठीक है, याद रखना। चलो ठीक है, चलो ये कहां पाया जाता है? ओडिशा है ना, ओडिशा, ओडिशा का एक अंगुल जिला है। कौन सा जिला है? अंगुल जिला। ये वहां पर मुख्य तौर पर पाया जाता है, वही अपना हैवी वाटर प्लांट के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो ये मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक पावर, जो एटॉमिक पावर मिनिस्ट्री होती है ना, उसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय चलो सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक। साथियों एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए, चलिए एक बार मिलकर क्लास को शेयर करो, चलो ऐसे सभी लोग शेयर करो, चलो क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करिए। चलिए क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करो, चलो दबा के एक बार सब लोग क्लास को शेयर करो। चलो कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय महात्मा गांधी, क्या इसका आंसर बनता है? सर्वोदय जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, ठीक है, इसका सर्वोदय का मतलब क्या है? सबके लिए प्रगति, ठीक है, सबके लिए, सब के लिए प्रगति, ठीक है, क्या इसका आंसर है? सब के लिए प्रगति इसका आंसर है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है? 1908, ठीक है, क्या इसका आंसर है? टाइटल 1908 इसका आंसर है, ठीक है। जॉन रस्किन, क्या इसका आंसर बनता है? जॉन रस्किन इसका आंसर बनता है। चलो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? जल्दी बताओ जरा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी बताओ जरा, अर्जेंटीना, पेरू, इंडिया, ब्राजील। कॉफी, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? जल्दी बताओ जरा, चलो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। एक ट्रिप, मतलब अब कॉफी आई तक टिप देता हूं, जब भी आपको लगे ना थका थका सा, कॉफी पकड़ो और पी डालो, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या बनता है? ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है, कहां पर है ब्राजील? ये आपका जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें काफी लंबा चौड़ा यहां पर देश बनता है ब्राजील, ठीक है। इस ब्राजील में अमेजोन के जंगल बहुत बड़े स्तर पे है, इसके अंदर कौन से? अमेजोन के जंगल। तो ब्राजील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, ब्राजील क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, चलो इस बात को आप याद रखना। चलो अगला प्रश्न क्या आता है? मतलब ब्राजील का बहुत बड़े स्तर पे ये कॉफी का उत्पादन करते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में लड़ा गया था? देखो एक बात याद रखना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न ना, तीन आपको युद्ध यहां पे बताऊंगा, ये इतने इंपॉर्टेंट युद्ध होंगे ना, ये आपके बार बार एसएससी में रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और आपको इसका इतना फायदा मिलेगा। सोचो अगर किसी एक एग्जाम में एक नंबर भी तुम्हें पता है कि भाई साहब एक तो मेरे पक्के हैं जीके जीएस में, तो बचे 24, एक नंबर तो पक्का कर लो कम से कम। तो इसका आंसर क्या आता है बताओ जरा?
रॉबर्ट क्लाइव तीन तरफ है, इधर मीर खासिम है, मीर जाफर है, सिराजुद्दौला है। बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बनता है। बैटल ऑफ प्लासी। मतलब आता माजी सटकली, जल्दी बताओ जरा। चलो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या बनता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। देखो एक तो है बैटल ऑफ पानीपत, यह पानीपत का युद्ध तीन हुए थे, ठीक है, ये किसके बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बहुत पूछे हैं भाई साहब, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, चार जंगें हुई थी, दो हैदर के साथ, दो टीपू के साथ, ये भी बहुत पूछते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर तो इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि पूछो ही मत। उसके बाद आपका ये बैटल ऑफ कौन सा, ये प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के अलावा कौन सा आता है, एक वंदी वॉश का युद्ध, वंदी वॉश के बाद कौन सा आता है, एक बक्सर का युद्ध। इन सबके बारे में ये बहुत पूछते हैं और ये क्वेश्चन भी मैं बहुत उठा उठा कर अलग अलग तरीके से लेके आता हूँ। आपको अब्दुल फजल, बाबर नामा, हिमायू नामा या इनकी कब्रों के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के, उठाने ही उठाने हैं उसने, ठीक है। चलो तो ये हुआ क्यों था युद्ध, एक तरफ था बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल का क्या था, नवाब था, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल का नवाब बहुत गुस्से वाला आदमी था, ठीक है, होता क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मुगल सम्राट की तरफ से क्या मिले थे, दस्तक मिले थे, दस्तक, दस्तक इसका नाम होता था। दस्तक किसे कहते थे, व्यापार करने वाले जो पास होते हैं ना, ट्रेडिंग करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले जो पास होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, दस्तक कहते हैं। ये अंग्रेजों को दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मिले, मतलब कंपनी के लिए जो भी सामान भारत में आएगा या भारत से बाहर जाएगा, बंगाल से या कहीं से भी, उसको भाई साहब कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये चिढ़ता था क्योंकि इसकी तिजोरी में कर नहीं जा रहा तो। और उसके अलावा अंग्रेज क्या करते थे, पर्सनल जो अधिकारी थे, खुद की जेबें भरने के लिए भी व्यापार करते थे पर्सनल, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर लिया, मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद जो इनके दोस्त होते थे उनको भी दे दिया इन्होंने, व्यापारी, भारतीय व्यापारी दोस्त या दूसरे व्यापारी दोस्त। तो इसके चलते चिड़ा, इसने जाकर वो एक वहां पर किला है जिसका नाम क्या है, फोर्ट विलियम, किले का नाम क्या है, फोर्ट विलियम किले का नाम है, वहां पर जाके इसने काम कर दिया। बाद में भाई साहब प्लासी के युद्ध में इतना पिटाना बेचारा, क्या ही बताऊं। चलो पृथ्वी, घंटे की अवधारणा और कब और कहां शुरू हुई, बताओ जरा। When and where did the concept of earth hour begin, जल्दी बताओ जरा। पृथ्वी, घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई, जल्दी बताओ जरा। पृथ्वी, घंटे की अवधारणा, अर्थ आर, वाह देखो इसका आंसर, इसका आंसर क्या बनता है, देखो जरा। मार्च 2007 में ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी, मार्च 2007 में ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी, इस सिडनी के अंदर हुआ, ठीक है। ये मूवमेंट, ये जो इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा शुरुआत की गई, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा शुरू की गई। इसका हेडक्वार्टर भारत में दिल्ली में है, ठीक है, भारत में दिल्ली में पोश इलाके में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, इस बारे में याद रखना, ठीक है। ये कब शुरू होता है, 8:30 रात को शुरू होता है और 9:30 रात बजे तक ये चलता है, ठीक है। अब अगला ये 26 मार्च 2022 को आएगा, क्या होगा, 26 मार्च 2022 को ये आएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया भर में लाइट्स को ऑफ कर दिया जाएगा,
ये एक ऐसा महत्वपूर्ण इवेंट है जहां पर इस वक्त के बीच में लाइट्स को ऑफ कर दिया जाएगा। महत्व बहुत महत्व है, भारत धरती को बचाना और दुनिया को जागरूक करना। सोचो तुम्हारे घर में लाइट बंद की और हम कह रहे मम्मी पूरे शहर में लाइटें बंद कर दी, कारण क्या है? लोग आपस में बात करेंगे तो जागरूकता फैलती है इससे, ठीक है, लोगों के जहन में बातें बैठती हैं, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, चलिए चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई बताओ जरा। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ जरा। चलो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, क्या इसका आंसर बनता है? IDBI इसका आंसर, जल्दी बताओ जरा। देखो इसका आंसर क्या बनता है, जुलाई 1964, ठीक है, 1964 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्या इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पार्लियामेंट के एक एक्ट से इसे पास किया गया था, पार्लियामेंट के एक कानून को बनाकर इस बैंक का गठन किया गया, ठीक है। चलो IDBI बैंक, चलो दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, जल्दी बताओ जरा। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, तुम खुद सोचो हवा का भी दबाव होता है, अब हम जहां पर खड़े हैं धरती के ऊपर वहां पर हवा का दबाव होता है। हम कहते हैं कि कहीं धरती के कुछ इलाकों के ऊपर लो प्रेशर होता है, कुछ इलाकों के ऊपर हाई प्रेशर होता है, कुछ इलाकों के ऊपर मीडियम प्रेशर होता है, अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रेशर होता है। उसके अलावा भी अगर मैं किसी जगह पे भार देकर उसे दबाऊंगा तो वो भी प्रेशर है। तो कितना प्रेशर है उसको मेजर करना है, उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बताओ जरा। जल्दी बताओ जरा। बिल्कुल सही आंसर, जो बैरोमीटर होता है ना, जो बैरोमीटर होता है वो हवा का दबाव मापने के लिए होता है, ठीक है। कहां पर हवा का कितना दबाव है, हवा क्या है, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हवा क्या है, ये क्या है, मान लो कि हमारी धरती है, ठीक है। धरती के आसपास क्या है, ट्रोपोस्फीयर की सबसे पहली परत है, इसकी एवरेज ऊंचाई 120 किलोमीटर है, 100 से 120 किलोमीटर। इसके बीच में क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और सारी गैसेस। ये गैसें जब चलती हैं, ये गैसेस जब चलती हैं तो ये हवा का रूप धारण कर लेती हैं। अब इसके चलने का कारण क्या होता है, इसके चलने का कारण क्या होता है ये बता देता हूं, ठीक है। यही तो दबाव होता है, समझो। ये क्या है, हमारी धरती है, धरती में क्या है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, यह ध्रुवों का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है। अब जहां ठंड होती है और जहां पर गर्मी होती है, इन दोनों के बीच क्या है, यहां पर हवा गर्म हो जाती है, हवा पानी कुछ भी गर्म कर लो वो हल्का हो जाएगा और फैल जाएगा और ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा, ऐसा है ना। तो यहां पर हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है, यह है ठंडा इलाका। ठंडे इलाकों में हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर भारी हो जाती है, भारी होकर ऊपर से नीचे की ओर आनी शुरू कर देती है। यहां पर हवा धरती पे आ जाती है, गिर के यहां से उड़ के ऊपर चली जाती है, ऊपर जाकर क्योंकि धरती घूम रही है ये इधर को मुड़ जाती है, इधर को मुड़ जाती है, ये नीचे को आना शुरू होती है, ठीक है। अब जहां पर हवा ज्यादा ठंडी होगी वहां पर हवा ज्यादा होगी, नीचे धरती के ऊपर ज्यादा गिरेगी तो दबाव ज्यादा होगा, जहां पर हवा गर्म होगी हवा ऊपर चली जाएगी दबाव कम होगा। लेकिन वहां से हवाएं जब बहकर इस तरफ चलती है ना, यहां से हवाएं बहकर जब ट्रॉपिकल की तरफ चलती हैं तब चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। चलो तो यही मापने के लिए होता है, धरती के अलग अलग इलाकों में अलग अलग होता है, ठीक है। चलो साथियों,
यूपी ट्रिपल एससी पैट का अभिमन्यु बैच लॉन्च किया गया है, जिसके साथ आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट की एक पुस्तक भी फ्री मिलेगी। ये सारे टीचर्स अवेलेबल किए जाएंगे आपको। उसके अलावा आप में जितने भी ये सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये सारों के जो टीचर्स के नोट्स होंगे आपको पीडीएफ नोट्स भी फ्री मिलेंगे। उसके अलावा इसमें आपको एक और बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, वो क्या है कि अब आपको डिस्काउंट बढ़कर 21% दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 21% क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया है। और इसके लिए आपको कोड क्या लिखना है, रैंक 21। आपको इसके लिए कोड क्या लिखना है, रैंक 21। चलो, तो ये आपको चीजों का ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर का इन्वेंशन किसने किया था, जल्दी बताओ जरा। चलो, हु इन्वेंटेड सेफ्टी रेजर। साथियों, सब लोग मिलकर क्लास को एक बार लाइक करिए और सब लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, सब लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर करेंगे तो आपके बाकी साथी जिनको अभी क्लास के बारे में नहीं पता है वो भी आ जाएंगे। चलो, शेयर कर दो दबा के एक बार। चलिए, सेफ्टी रेजर का इन्वेंशन किसने किया। बिल्कुल सही, इसका नाम क्या था, किंग सी जिलेट। ठीक है, किंग सी जिलेट होता है ना, एक रेजर टाइप सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लेड डाला जाता है और ऐसे करके दाढ़ी उतारी जाती है, सेफ्टी रेजर। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था, किंग सी जिलेट नाम के व्यक्ति ने किया था। जिलेट आज एक कंपनी भी चल रही है। चलो, बादल फटने का अर्थ क्या है, बादल फटने का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ जरा, बादल फटने का अर्थ। देखो, एक तो बादल का गरजना, उसके साथ असामान्य रूप से भारी वर्षा। एक तो बादल का गरजना, उसके साथ असामान्य रूप से जो बहुत भारी स्तर पे वर्षा होती है ना, अनकंट्रोलेबल, बाढ़ ही आ जाए कतई, वो चीज। ठीक है, चलो, विश्व के 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास हैं। विश्व के 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास हैं, चीन, भारत और रूस, चीन, भारत, यूएसए, भारत, रूस, यूएसए, यूएसए, रूस या चीन, जल्दी बताओ जरा। चलो, देखो इसका आंसर क्या बनता है, जल्दी बताओ। चलो, देखो इसका आंसर क्या है, यूएसए, रशिया, चीन। यूएसए, रशिया और चीन, क्या यूएसए, रशिया और चीन, ये तीन देश है भाई साहब, सिंपल सी बात है, यूएसए, रशिया और चीन, जिसके पास 50% से अधिक कोयले के भंडार है। मतलब दुनिया में जितना भी कोयला है ना, उसके पास 50% से अधिक है। सोचो भाई साहब, सोचो क्या खतरनाक बात है। ठीक है, चलो, हाँ देखो, जब भी कोयला जलता है ना, जब भी कोयले का दहन होता है, उसके अंदर से हाइड्रोजन,
सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस निकलती हैं। इस बात को याद रखना, क्या? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस उसके अंदर से निकलती हैं, ठीक है? इस बात को याद रखना। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो कोयले का दहन करने वाला, कोयले का इस्तेमाल करने वाला और कोयले का जो खरीद करने वाला देश पता कौन सा है? चीन। चीन के पास वैसे तो बहुत सारा कोयला है, लेकिन फिर भी वो कोयले अपने अपने देश में कोयले की खानों से निकालकर भी कोयले का इस्तेमाल करता है और बाहर से भी कोयले को मंगाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में भी, भारत के पास बहुत सारे प्रकार के कोयले हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट करके सारे, लेकिन फिर भी भारत में क्या होता है, लेकिन फिर भी भारत में इस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार? विदेशों से मंगाकर, ठीक है? अलग अलग जगह पर अलग प्लांट्स हैं जिसके ऊपर विदेशों से मंगवाकर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? चलिए, ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी देश कोयले को एक्सपोर्ट करते हैं, कोयले को बाहर दूसरे देशों को बेचते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कोयला बेचने वाला, ठीक है, मतलब दुनिया का एक तिहाई कोयला अगर कोई बेचता है, कहने का मतलब है कि अब कोयला अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है, चीन के पास भी है, वो अपना कोयला निकालेंगे और अपने यहां पे लगा लेंगे, लेकिन कोयला निकाल कोई रहा है और बाहर बेच रहा है, वे भी तो सीन है ना। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, जितना भी कोयला दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों को बेचा जाता है, उसका एक तिहाई तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही बेचता है, ठीक है? उसका एक तिहाई तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही बेचता है, इस बात को याद रखना। चलो, अगला प्रश्न है वो क्या आता है, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सी है, बताओ जरा? राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, भारत माता या आलम अर, जल्दी बताओ जरा। भारत में पहली बली, भारत की पहली टाकी फिल्म, जल्दी बताओ जरा। भारत की पहली टाकी फिल्म, फर्स्ट टाकी फिल्म ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाकी फिल्म ऑफ इंडिया, बिल्कुल इसका आंसर क्या है? आलम अरा, ठीक है? क्या इसका आंसर है? आलम अरा, ईरानी की द्वारा बनाई गई ये फिल्म थी, ठीक है? 2021 में इसको कुल मिलाकर 90 साल हो चुके हैं। इसने भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री, इसमें सबसे पहले साउंड को लाकर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दिया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया, इस बात को याद रखना। चलो, आलम अरा अर्देशीर ईरानी के द्वारा ये बनाई गई थी, अर्देशीर ईरानी के द्वारा इसे बनाया गया था और 1931 में रिलीज किया गया था। चलो, अरे, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, जल्दी बताओ जरा। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, जल्दी बताइए। चलिए, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, 28 राज्य हैं। चलो, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एड्स डे, बताओ जरा, किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल्दी बताओ जरा, कौन से महीने होता है, जल्दी बताओ। वर्ल्ड एड्स डे, चलो जल्दी जल्दी बताओ,
बिल्कुल 1 दिसंबर, क्या इसका आंसर है? 1 दिसंबर। ये 1988 से ये मनाया जाता है, ठीक है, 1988 से ये मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक फैला है, उसी प्रकार से एड्स नाम का पैंडेमिक भी एक बार दुनिया में फैला था, उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसे किया जाता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलो, और भी कई सारे संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र का साथ दिया था इसको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। चलो, जब किसी कुंडली में दुमावों की संख्या 3 गुना हो जाती है तो कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना उसका सर्व प्रेरकत्व को हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ जरा। हाँ महेंद्र, आप कह सकते हो कि कुछ महीनों बाद कोरोना डे भी मनाया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनता है? 9 बार। अगला प्रश्न क्या है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक होता है? लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसी होती हैं? जैसे भारत का जो संसद है वह एक लोकतांत्रिक संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो सकता है जिसके अंदर लोकतंत्र होता है, बताओ जरा। चलो, बताओ जरा, चलो जल्दी बताओ। वाह क्या बात, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। साथियों, यूपी ट्रिपल एसी पैट, क्या यूपी ट्रिपल एसी पैट का अभिमन्यु बैच, जिसमें आपको ये सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको ये सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे जो आपके सामने अभी बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा अब आप में आपके पास जो इसके अंतर्गत लेस दी जा रही थी वो 15% से बढ़ाकर 21% कर दी गई है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक पुस्तक भी फ्री मिलेगी यूपी ट्रिपल एसी पैट की, ठीक है। और उसके अलावा जो भी टीचर्स के आपको यहाँ पे करवाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तो जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि 45 दिनों का टारगेट है और ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। क्यों क्रिटिकल टाइम होता है? आप लोगों ने काफी लंबे समय से तैयारियां की होती हैं लेकिन यहां पर आकर आप कुछ कुछ चीजें भूलने लग जाते हो, लेकिन जब हम जैसे लोग पर्टिकुलर चीजों को पकड़कर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन चीजों को करवाते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र की शुरुआत कब होती है, कहां होती है? लोकतंत्र देखो, राजा का राज, अगर राजा का राज आ जाए कहीं पे और सारा कुछ राजा के कंट्रोल में रहे तो भाई साहब, राजा ने कोई भी कानून बना दिया, राजा ने कह दिया एक शहर के 100 लोगों को उठा लो, कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का अधिकार? आज हमारे देश में किसी को भी एम ही उठा लो तो उसका अधिकार आ जाता है। क्या अधिकार आता है? उसको जेल में डालने से पहले आप उसके परिवार वालों को सूचित करिए, आप उसको सूचित करिए, उसके अलावा आप उसको वकील प्रोवाइड करवाइए, आप उसको मार पीट नहीं सकते, जज के आगे पेश करना होगा, ये सब चीजें। तो लोकतंत्र क्या देता है आपको? सबसे बड़ी बात, अधिकार देता है, ठीक है। लोकतंत्र द्वारा दिए गए ये जो अधिकार होते हैं ये क्या काम करते हैं? जो सरकार होती है सरकार के ऊपर लगाम लगाने का, सरकार की बेलगाम शक्तियों को लगाम लगाने का काम करती है, ठीक है। Which one of the following is odd? बताओ जरा। Which one of the following? यार ये तो क्वेश्चन में कोई गलती से आ गया कोई। चलो अगला प्रश्न।
पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था? कब? 1972 में, 67 में, 59 में, 55 में? जल्दी बताओ जरा साथियों। एक बार मिलकर क्लास को शेयर करिए। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, क्या बात। इसका आंसर क्या आता है? 1967 का दिसंबर का महीना था, ठीक है, दिसंबर का महीना था। क्रिस्टन बेनार्ड और उनकी टीम ने मिलकर एक व्यक्ति का दिल दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया था, जिससे कि ये क्लियर हो गया कि भाई साहब हाँ जी मजे हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, वो क्या है? भारत में लास्ट टेलीग्राम कब भेजा गया? जल्दी बताओ जरा। When was the last telegram sent in India? टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया, देखो 14 जुलाई 2013 को आखिरी टेलीग्राम भारत में भेजा गया था, ठीक है ठीक है। इसकी शुरुआत भारत में 1850 में की गई थी, 1850 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1850 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलो इसकी सबसे पहली लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में बनाई गई थी। सबसे पहली लाइन इसकी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में बनाई गई थी, ठीक है, ये बात याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। चलो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत 1851 से 1854 के बीच में की थी। बाद में ये पूरे भारत देश के लिए लाइंस बिछाई गई थी, इस बात को याद रखना। चलो आखिरी अगला प्रश्न क्या है? वायु के तापमान में परिवहन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आयाम, वेवलेंथ, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। जल्दी बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी, सुराबी साहनी, इसका पीडीएफ मैं क्लास के बिल्कुल खत्म करते ही ना, इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। ये क्या है? टेलीग्राम एक ऐप है, एक टेलीग्राम ऐप है, वहां पर एग्जामपुर का ये वाला पेज है, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, यहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना और क्लास के जस्ट बाद डालूंगा, अभी डाल दिया तुम लोग पता नहीं कहां निकल जाओगे, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो
समझो कि कोई यूनिट ऑफ टाइम है, यहां से लेकर यहां तक एक मिनट मान लो, ठीक है, एक मिनट। इस एक मिनट में कितने साइकिल्स हुए उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रिपीटिंग इवेंट्स, कोई चीजें बार बार हुए। जैसे कि किसी ने 10 बार किसी को मुक्के मारे एक मिनट के अंदर मार दिए, तो फ्रीक्वेंसी रिपीट कितनी बार हुआ, 10, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, ठीक है, बंदे की फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसको। चलो, भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से संविधान से प्रेरित हैं, बताओ। भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित के संविधान से प्रेरित हैं, कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बताओ जरा। मतलब निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को हम कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो बिल्कुल सही, सबसे पहली बात तो ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। ये संविधान का कौन सा भाग है, भाग नंबर 4 उसके अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के अधिकार ही होते हैं, ये एक प्रकार के अधिकार ही होते हैं, लेकिन इन अधिकारों को पाने के लिए, इन अधिकारों को लेने के लिए बहुत सारे मजबूत आर्थिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत इतना मजबूत ना होने की वजह से इसे नॉन जस्टिसेबल बना दिया गया। चलो, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई, जल्दी बताओ जरा। नेशनल रिन्यूएबल फंड, देखो इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुरक्षा। 1991 में एक नई औद्योगिक नीति लाई गई थी, एक नई औद्योगिक नीति को लाया गया था, ठीक है, क्या लाई गई थी, नई औद्योगिक नीति लाई गई थी, इस नीति को लाया गया, ठीक है। उसके बाद इसके चलते 1992 में इस फंड को भी एस्टैब्लिश किया गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1992 में। इसका उद्देश्य क्या था, अगर कोई भी उद्योग में किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, क्या हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, तो उस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से बचने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए, इसे लाया गया, इस बात को याद रखो। चलो, अगला प्रश्न क्या है, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी बताओ जरा, सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दो, you
बिल्कुल सही, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या है इसका? NaHCO3, ठीक है। चलो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे बताओ जरा? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल या फिर राणा प्रताप सिंह? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, जल्दी बताओ जरा, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री। जल्दी बताओ जरा, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री। बिल्कुल सही, टोडरमल, ठीक है। अकबर ने भाई साहब अपने नौ रत्न बनाए थे, जिसमें से फेमस कौन है? एक तो यही टोडरमल है, बीरबल, उसके बाद कौन है, अब्दुल फजल, ये तानसेन, ठीक है। चलिए हाउ मैनी नोबेल प्राइज अवार्ड आर अवॉर्डेड ईच ईयर बताओ, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने दिए जाते हैं बताओ जरा? चलो जल्दी जल्दी बताओ, नोबेल प्राइज। इसका आंसर क्या आता है? 6, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? 6 इसका आंसर आता है, ठीक है। क्या इसका आंसर आता है? 6। चलो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? 1901 को दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था व्यक्ति का? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति पे इसके नाम की शुरुआत की गई। यह वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले बारूद बनाया था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहले इसमें बारूद बनाया था। ये पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, इकोनॉमिक्स, इन क्षेत्रों में दिया जाता है, इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, ठीक है। सभी के सभी पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। कौन से देश में? स्वीडन में। लेकिन साहित्य का पुरस्कार है एक जो दूसरे देश में दिया जाता है, ठीक है। बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन में, लेकिन साहित्य का पुरस्कार कहां दिया जाता है? नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। साहित्य का पुरस्कार नॉर्वे के अंदर दिया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलो अगला प्रश्न क्या है? रेड डाटा बुक किस विवरण और किसका विवरण और विवरण प्रदान करती है बताओ जरा? रेड डाटा बुक जल्दी बताओ जरा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसका विवरण प्रदान करती है जल्दी जल्दी बताओ जरा? चलो रेड डाटा बुक किसका विवरण प्रदान करती है? देखो जो लुप्त पौधे और जानवर होते हैं ना, जो चपेट में आए, लुप्त हो चुके या लुप्त होने वाले पौधे या जानवर होते हैं ना, उनके बारे में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN लिस्ट है इसका 1964 को इसकी शुरुआत की गई। कहां इसकी शुरुआत की गई? 1964 को इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर यूके में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? यूके में। चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, वो क्या आता है आपके सामने?
मालदीव के गंभीर पर्यावरण शरण को अनिवार्य रूप से किसके कारण माना जाता है, जल्दी बताओ जरा। द सीरियस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ मालदीव इज कंसिडर टू बी एसेंशियली ड्यू टू, बताओ जरा। सीरियस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ मालदीव्स। साथियों सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर करके 200 तक लेकर जाइए, सभी लोग एक बार मिलकर क्लास को शुरू करके 200 तक लेके जाइए। साथियों समझो मैं बता रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी पैट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का कोर्स लॉन्च हुआ है मात्र 699 रुपए, जिसमें आपको 270 रुपए की पुस्तक फ्री मिलेगी। उसके अलावा जो आपको पीडीएफ के नोट्स के पीडीएफ होंगे वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक खासी अच्छी खासी मोटी टीम मिल रही है। 45 दिन का एग्जाम का टारगेट है, जिसके बाद पता नहीं कितने एग्जाम यूपी में निकलने वाले हैं, इसका बेनिफिट लीजिए। हाँ, इसके अंतर्गत जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 21% तक का, इसके अंतर्गत जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 21% तक का दिया जा रहा है। इसके लिए आपको रैंक 21 दिया होगा, ठीक है, लिखना होगा। पहले ये डिस्काउंट 15% था, अब आपके लिए इस डिस्काउंट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलो इसमें आपको सबसे बड़ी फायदा तो ये होगा कि देखो मैं बार बार कह रहा हूं, बात को ध्यान दो कि एग्जाम आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन तैयारी भी कोई चीज होती है, माइंड का रिदम भी कोई चीज होता है, तो उसका बेनिफिट लो, ठीक है। चलो मालदीव का बताओ अब। देखो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर, ये गलत ऑप्शन है। मालदीव छोटा सा तो है, उसके अंदर काय का आ जाएगा, लगातार मिट्टी का कटाव, ये इतना कोई बड़ा बात मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं, ना जी ना। हाई पोल्यूशन डेंसिटी, ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, चलो ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई साहब, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बीच जो बीच होते हैं, समुद्र तट से लहरें आती हैं, बीच को काट कर ले जाती हैं। उसके अलावा जो उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस इन चीजों का बहुत बड़े स्तर पर कृषि में इस्तेमाल होता है, वो समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाकर जो फाइटोप्लांकटन होते हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं, जहरीला कर देते हैं। उसकी वजह से मालदीव के आसपास का जो समुद्री मैराइन एनवायरनमेंट है वो भी खत्म हो रहा है। वैसे भी बंगाल की खाड़ी में कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत डेड सी क्या देखने को मिल रही है, डेड सी देखने को मिल रही है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। सोयल डिग्रेडेशन या फिर जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा है। चलो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, जल्दी बताओ जरा, पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। साथियों एक बार मिलकर क्लास को शेयर करो, चलो एक बार मिलकर सभी लोग क्लास को शेयर करिए, चलिए एक बार सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए। फर्स्ट मेंबर इंडियन टू बिकम ब्रिटिश पार्लियामेंट, सबको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी, ये ब्रिटिश चले गए थे और सबसे पहले भारतीय बने थे जो ब्रिटिश संसद का भाग बने थे, ब्रिटिश संसद का ये सबसे पहले भारतीय थे जो भाग बने थे, ठीक है। वहां की एक लिबरल पार्टी थी, पार्टी का क्या नाम था, लिबरल पार्टी, जिसकी तरफ से ये उसके भाग बने 1892 में, कब 1892 में। चलो अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने, साइकोलॉजी का अध्ययन
साइकोलॉजी का अध्ययन, जल्दी बताओ, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। साथियों जितने भी लोग लाइव है एक बार लाइक करिए और सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर करो। चलो सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर करो। चलो शैवाल लाइकन कवक बैक्टीरिया, शैवाल लाइकन कवक बैक्टीरिया, जल्दी बताओ जरा। साइकोलॉजी देखो इसका आंसर क्या बनता है, शैवाल। ठीक है, शैवाल क्या होते हैं? आपके घर पे आसपास आपने कोई तालाब देखा, तालाब जहां पर भैंसे वगैरह नहाती हो, हमारे पंजाब में तो होते हैं, या फिर वैसे ही छोटा मोटा कोई तालाब हो, तालाब के ऊपर अक्सर आप देखेंगे कि हरा हरा सा पन होता है। ठीक है, एक प्रकार का वो पौधा ही होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं होती, मिट्टी से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक प्रकार का पौधा होता है। वो कई प्रकार के हो सकते हैं, साइज में बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एल्गाई कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, इसे इसके अध्ययन को एक और चीज भी कहते हैं, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यदि 1 मिलियन आयंस हैं तो कितने क्लोराइड आयंस होंगे, जल्दी बताओ जरा। यदि 1 मिलियन आयंस हैं तो कितने क्लोराइड आयंस होंगे, जल्दी बताओ। चलो यदि 1 मिलियन आयंस हैं तो कितने क्लोराइड आयंस होंगे, देखो इसका आंसर क्या बनता है, 2 मिलियन। ऊपर एक प्रश्न रह गया, जजिया, जजिया का मतलब समझते हैं क्या होता है। जजिया एक प्रकार का कर होता है, इस कर को कितने मतलब कौन से मुगल सम्राट ने हटाया था, जल्दी बताओ जरा। जजिया, जजिया एक प्रकार का कर होता है। ठीक है, मतलब समझो मुगल क्या थे, धर्म से क्या थे, मुस्लिम थे। ठीक है, धर्म से क्या थे, मुस्लिम थे। जितने भी गैर मुसलमान होते हैं ना, जितने भी गैर मुसलमान होते हैं, कोई भी मुसलमान सल्तनत या कोई भी मुसलमान साम्राज्य या कोई भी मुसलमान सरकार, उसके अंदर कोई भी अगर गैर मुस्लिम रह रहा हो, उससे ये जजिया नाम का कर लेती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जजिया नाम का कर गैर मुस्लिम से लेकर उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा इसका फीचर है, इस बात को याद रखना। चलो जल्दी बताओ जरा, अकबर, देखो अकबर के बाद, अकबर की नीतियां तो बहुत ही ज्यादा लिबरल थी, बहुत ज्यादा टॉलरेंट थी, सहिष्णु थी। लेकिन अकबर के बाद किसी एक राजा ने, एक मुगल सम्राट ने दोबारा इस जजिया नाम के कानून को लागू किया था। उसका नाम क्या था, औरंगजेब। ठीक है, क्या नाम था, औरंगजेब। और औरंगजेब एक आखिरी ऐसा सम्राट था, मुगल सम्राट, जो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग था, उसके बाद कोई स्ट्रांग आया ही नहीं है। इसने मतलब इतनी तबाही मचा दी। वैसे औरंगजेब का शासनकाल ऐसा था जिस शासनकाल में सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य हो गया था मुगलों का। इसकी कब्र औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वहां पर इसने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसा ही एक बनाया, लेकिन ताजमहल जैसा नहीं बन पाया। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये छत्रपति शिवाजी से भिड़ने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति यही था। ठीक है, चलो जजिया टैक्स उसने दोबारा लगा दिया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो जजिया कर था वो किसने लगाया था, जजिया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था।
सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का स्थापक 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले इसने जजिया लगाया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन कोयले की किस्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की किस्म नहीं है, बताओ जरा। पीट, लिग्नाइट, डोलोमाइट या बिटुमिनस, जल्दी बताओ जरा। निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की किस्म नहीं है, जल्दी बताओ। चलो डोलोमाइट, इसका आंसर क्या आता है? डोलोमाइट इसका आंसर आता है। डोलोमाइट। चलो अगला प्रश्न क्या है। हु रोट द फेमस नॉवल द गाइड, एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है जिसका नाम है द गाइड, वो किसने लिखा था, जल्दी बताओ जरा। वो किसने लिखा था, जल्दी, चलो। प्रसिद्ध नॉवल है द गाइड, किसने लिखा, जल्दी बताओ। चलो इसका आंसर क्या आता है? आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण। चलो अगला प्रश्न क्या है। असहयोग आंदोलन किसके कारण बंद हो गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके कारण बंद हो गया था, जल्दी बताओ। असहयोग आंदोलन, देखो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, इसके साथ खिलाफत आंदोलन भी चला था, दोनों एक साथ चले। एक बार वहां पर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा की घटना क्या थी? पुलिस वालों ने किसान जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर गोलियां चला दी, किसानों ने गुस्से में आकर वापस इनके ऊपर गोलियां चला दी, कहानी खत्म। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडेप्टेड फॉर्म, बताओ जरा। सरकार के संसदीय स्वरूप के विचार को अपनाया गया, सरकार के संसदीय स्वरूप के विचार को अपनाया गया, अमेरिका, यूएसएसआर, यूके, आयरलैंड, किसके कहां से, बताओ जरा। जो संसदीय प्रकार का सिस्टम है वो कहां से उठाया सरकार ने। साथियों जितने भी लोग लाइव हैं एक बार लाइक करिए क्लास को, चलो जितने भी लोग लाइव हैं एक बार लाइक करिए क्लास को। इसका आंसर क्या आता है? यूके इसका आंसर आता है। ठीक है, क्या इसका आंसर है? यूके। चलो अगला प्रश्न, मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए, चलो जल्दी बताओ। कौन सा ऐसा एशियाई देश है जिसने मंगल ग्रह की परिक्रमा की, जल्दी बताओ। चलो देखो इसका आंसर क्या आता है? भारत इसका आंसर आता है। ठीक है, क्या इसका आंसर है? भारत इसका आंसर है। चलो मिट्टी रहित कृषि से तात्पर्य, मिट्टी रहित कृषि से क्या तात्पर्य है, जल्दी बताओ। मिट्टी रहित कृषि से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोपोनिक्स, एक ऐसी कृषि जहां पर मिट्टी का इस्तेमाल ना हो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। चलो कृषि का, कृषि या कोक को बंद कमरे में जलाने पर घुटन और मौत का कारण बनने वाली गैस, जल्दी बताओ जरा। कौन सी गैस होती है जो बंद कमरे में चलाओ तो घुटन होती है? कौन सी ऐसी गैस है जिसे बंद कमरे में चलाओ तो घुटन होती है, जल्दी बताओ। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड।
इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, देखो 1972 को सबसे पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया, ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। एक स्टॉकहोम का समझौता हुआ, ठीक है, क्या हुआ, स्टॉकहोम का समझौता हुआ जिसके चलते इसे मनाया गया। इस बात को आप याद रखना, सबसे पहले ये ओनली वन अर्थ नाम का इस सिस्टम को मनाया गया यूएसए के अंदर। चलो पिक आउट द पर्सन एसोसिएटेड विद कॉइनिंग ऑफ द टर्म जीन, बताओ जरा जल्दी बताओ साथियों, जितने भी लोग लाइव है एक बार लाइक करिए क्लास को। चलो देखो इसका आंसर क्या आता है, जोनसन। चलो यूपी ट्रिपल एससी पैट का 45 दिनों का टारगेट है जिसमें कि आपको 699 रुपए का अभिमन्यु बैच मिलेगा, 21% का डिस्काउंट कर दिया गया है, लिखना होगा रैंक 21। इसमें आपको फ्री बुक भी मिलेगी, आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगे। चलो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधारों के लिए नई डील की घोषणा की, जल्दी बताओ जरा। विच यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस द न्यू डील फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, जेएफ कैनेडी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब्राहम लिंकन या रूजवेल्ट, जल्दी बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ साथियों। एक बार क्लास को क्या बताऊं, बताओ क्या पूछ रहे हो साथी मेरे भाई। ये क्लास अभी थोड़ी सी चलेगी, ये क्लास अभी 20-25 मिनट और चलेगी, ठीक है, सो बेफिक्र रहो, कोई इतने ज्यादा नहीं है। आप ही के फायदे के लिए ये क्लास लंबी खींच के चलाई जाती है। कारण ये है कि ये जो खास खास क्वेश्चंस मैं लेके आता ना, जो CHSL का भी एग्जाम हुआ, उसके पहले लॉकडाउन हो गया, बाद में 2-3 शिफ्ट के एग्जाम हुए, भाई साहब तगड़ा, क्या तगड़ा रिजल्ट दिया। मतलब पहली शिफ्ट में भी 10 से ऊपर क्वेश्चन थे, दूसरी में भी 12-15 से ऊपर थे। तो भाई साहब जितना बेनिफिट ले सकते हो ना, उतना बेनिफिट इसका आप लोग ले लो। चलो देखो इसका आंसर क्या बनता है, रूजवेल्ट, ठीक है। रूजवेल्ट कौन था, अमेरिकी राष्ट्रपति था, ये सारे के सारे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। चलो वस्तु विनियम लेन देन का अर्थ, वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ जल्दी बताओ जरा, बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन मैंने उस दिन समझाया भी था कि ये बार्टर ट्रांजैक्शन होती क्या है, मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि ये बार्टर ट्रांजैक्शन क्या होती है, बार्टर ट्रांजैक्शन। चलो जल्दी बताओ जरा, बार्टर ट्रांजैक्शन। देखो इसका ए आंसर नहीं है, सिक्के माल के बदले नहीं, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ना भाई साहब गुड्स आर ना जी ना, इसका आंसर क्या बनता है, ए माल के बदले माल। जैसे कि कोई गेहूं का खरीददार है और कोई गेहूं बेचने वाला है, कोई गेहूं का खरीददार है और कोई केले बेचने वाला है, कोई बाजरे का खरीददार है कोई चावल का खरीददार है, तो मतलब मेरे पास 2 किलो चावल है तुम्हारे पास 2 किलो बाजरे हैं, बदल लो आपस में, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद आया करेंसी सिस्टम, मतलब कि अब भाई साहब सोचो कि मुझे 2 किलो बाजरा चाहिए और मुझे क्या पता कि तुम कहां खड़े हो 2 किलो बाजरा बेचने के लिए, लेकिन मेरे पास 2 किलो चावल है, लेकिन हो सकता है कि 2 किलो बाजरा लेने वाले व्यक्ति को 2 किलो चावल नहीं चाहिए, तो कैसे बनेगी बात,
बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत थी ये, बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत थी ये कि 2 किलो चावल खरीदने हैं मुझे, लेकिन जिससे 2 किलो चावल मैं खरीदने जाऊंगा ठीक है उसको मैंने बाजरा देना है, क्या पता उसको बाजरे नहीं चाहिए केले चाहिए हो तो कैसे दाल गलेगी। तो उस वक्त पैसे का शुरुआत हुआ कि भाई साहब उसको सामान दे दो, पैसे ले लो, उस पैसे को उठा के जाके केले खरीद लो, समझे बात को, ये सारा सिस्टम होता है। चलो चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्रति सेकंड कई बार ताजा होनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्रति सेकंड कई बार ताजा होनी चाहिए, बताओ जरा जल्दी बताओ। साथियों अगर मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा हूं कि यहां पे खड़ा हूं, दिमाग लगा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी बनता है कि भाई साहब एक बार क्लास को दबा के शेयर करो, 200 तक तो क्लास लेके जा ही सकते हो एक बार के लिए खींच के, चलो 200 तक तो क्लास को खींच के ले जा ही सकते हो, कि उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। चलो इसका आंसर क्या बनता है, डायनामिक रैम। चलो अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने, स्टील की एक गेंद में पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ मैटर इज इन द बॉल ऑफ स्टील, बताओ जरा अगर स्टील की एक बॉल बना दो तो उसके अंदर कितनी धातु की मात्रा होगी, मास डेंसिटी किसमें होगी बताओ, द्रव्यमान में होगी, घनत्व में होगी, वॉल्यूम में होगी या वेट में होगी, जल्दी बताओ जरा। देखो मास, द्रव्यमान, देखो घनत्व क्या होता है, मैंने कई बार बताया घनत्व क्या होता है, समझो पानी है, पानी ठीक है, पानी को अब तुम धरती पे पानी बहुत सारा भाई साहब, ध्रुवों के ऊपर भी है और ध्रुवों के दूर भूमध्य क्षेत्र में चले जाओ वहां भी है, अब यहां पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो सिकुड़ जाता है आपस में, जुड़ जाता है, भारी हो जाता है ठीक है, तो घनत्व ज्यादा है, यहां पर क्या है पानी गर्म होकर फैल जाता है तो घनत्व कम है, होता है ना ऐसा, तो इसका मतलब होता है घनत्व, ये तो द्रव्यमान की बात है, घनत्व तो मैं इसको इसलिए समझाया सामने लिखा और घनत्व एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ट्रांसपीरेशन इंक्रीज इन, जो वाशोसर्जन वाष्पोसर्जन से में वृद्धि होती है, बताओ जरा ट्रांसपीरेशन वाष्पो उत्सर्जन से वृद्धि होती है किसकी, वाष्पो उत्सर्जन से किसकी वृद्धि होती है, जल्दी बताओ जरा वाष्पो उत्सर्जन से किसकी वृद्धि होती है, देखो गर्म शुष्क और हवा की ठीक है। चलो यदि जाइलम और फोलम, यदि देखो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये एक बड़ा पसंदीदा प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पसंदीदा है एसएससी का, एक वर्ड है जाइलम रट लो, एक का नाम है फोलम रट लो, इसको रट कैसे समझो, पेड़ है, अब भाई साहब हम कहते हैं ना कि पत्ते फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, पत्ते फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं पत्ते खाना बनाते हैं, उसके लिए पत्तों को क्या चाहिए पानी, अब नीचे जड़े हैं, जड़े पानी खींच के पानी यहां तक ले आई, यहां से लेकर पौधों तक उसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, उसके बाद पौधे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद खाना बना लिया वो वापस जड़ों के पास भी आना है, पेड़ के हर कोने के पास भी जाना है, तो जाइलम और फोइलम ये काम करते हैं कि वो चीजों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ठीक है। चलो इसका आंसर क्या बनता है, रेडियल, याद रखना। चलो अगला प्रश्न क्या है, ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी, ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी, जल्दी बताओ जरा ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी, जल्दी बताओ। चलो ब्लैक होल ट्रेजेडी, साथियों सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर करो, चलो सभी लोग मिलकर क्लास को एक बार शेयर करिए, Thank you.
जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ एक बार के लिए। देखो इसका आंसर क्या बनता है, ये कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में क्या हुआ था, सराजुद्दौला ने हमला किया प्लासी का युद्ध होने से पहले। सराजुद्दौला उसने क्या किया, जितने भी अंग्रेज पकड़े गए ना उन सबको एक गर्म कपड़े एक कमरे में कैद कर दिया, और वहां पर इतनी ज्यादा सफोकेशन और गर्मी थी ना कि कुछ लोग दम घुटने से ही मर गए। ठीक है, ये थी ब्लैक होल त्रासदी। चल दो, चलो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है जल्दी बताओ जरा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है जल्दी बताओ। चलो देखो, हाँ लगाओ, साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट, जिसमें कि आपको 699 रुपए का कोर्स दिया जा रहा है, 15% से लेस को बढ़ाकर 21% कर दिया गया, जिसके लिए आपको रैंक 21 लिखना होगा। इसमें आपको फ्री पुस्तक मिलेगी 270 रुपए की। इसमें आपको एक्सपर्ट टीचर्स के जो नोट्स होंगे पीडीएफ नोट्स, वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसके अलावा अभिमन्यु बैच में जो आपके सामने यहां पर दिख रही है वो टीम मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। चलो ओके, 699 रुपए का कोर्स है। चलो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है जल्दी बताओ जरा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। लो मैं जूम कर देता हूं, हिंदी वाला जूम करूंगा, इंग्लिश वाला नहीं कर रहा। ठीक है, अब जूम करना है तो भाई साहब कोई तो छुपेगा ही। बताओ जरा कि ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। देखो यहां पर परमाणु ऊर्जा की बात की गई है, कोई रिलेशन नहीं है, अम्लीय वर्षा का कोई रिलेशन नहीं है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पेड़ों को लगाना, भाई साहब सिर्फ पेड़ों को लगाना ही इसका उद्देश्य नहीं था। तो इसका आंसर क्या बनता है, सी, कि ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया में गर्मी बढ़ रही है उसको कम करने के लिए कदम उठाने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में हुआ, UNFCCC, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का एक समझौता हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके चलते ये हुआ था। ठीक है, ये 1997 में साइन किया गया, 1997 तक ये साइन किया गया, और 84 देशों ने इसे कुल मिलाकर साइन किया था। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। चलो 2005 को ये लागू हुआ था। ये क्योटो जगह कहां पर है, जापान में है, समझौता भी जापान में हुआ था। चलिए, रोम के सभी रूपों को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, ऑल फॉर्म ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज, बताओ जरा, ऑल फॉर्म ऑफ रोम इज आल्सो नोन एज, जल्दी बताओ। चलो इसका आंसर क्या आता है, बी, फर्मवेयर। ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है, बी, फर्मवेयर। चलो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जो रग्बी फुटबॉल होती है उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 16, 12, 11, 15, जल्दी बताओ, 16, 11, 12, 15। साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दो, चलो एक बार मिलकर सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, चलिए सभी लोग दबा के एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए चलो शेयर करो क्लास को, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करिए। इसका आंसर क्या बनता है, 15 इसका आंसर बनता है। ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है, 15। चलो अगला प्रश्न क्या है, प्लांक नियंतक, प्लांक नियंतकांक के आयाम बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट के आयाम डायमेंशंस बता दो जरा। चलो रेखीय संवेग, कोणीय गति, बल, ऊर्जा, जल्दी बताओ जरा। इसका आंसर क्या बनता है, कोणीय गीत, एंगुलर मोमेंटम। चलो बिजली और चुंबकत्व के बीच कड़ी की खोज किसने की, जल्दी बताओ, हु डिस्कवर द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, जल्दी बताओ, चुंबक और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो संबंध है उसकी खोज किसने की, जल्दी बताओ जरा। चलो
हु डिस्कवर्ड लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखो इसका आंसर क्या बनता है, मैक्सवेल। ठीक है चलो, क्लार्क मैक्सवेल इसका नाम था और 1831 के आस मतलब इन्होंने ये खोज की। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन? जल्दी बताओ जरा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 324, 352। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान द्वारा ही चुनावी आयोग के जो कमिश्नर्स होते हैं उनका गठन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा ही उनके गठन की, आर्टिकल नंबर 324 है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है, उनका समय काल, आयु, मतलब कितने वर्ष तक ये काम करेंगे, सब संविधान द्वारा ही तय किया जाता है। ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार क्या होता है? ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, लेक या ग्लेशियर? जल्दी बताओ जरा, ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार हम किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। चलिए, ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार क्या है? जल्दी बताइए। चलिए देखो, ग्लेशियर क्या इसका आंसर है? ग्लेशियर इसका आंसर है, जो कि ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताओ जरा। एलोरा की गुफाओं के बारे में तो हम सब जानते हैं, वहां शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा केव्स, देखो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रकुटा वंश आया था यहां पर, जिसका ये साम्राज्य रहा था। ठीक है, तो एक राष्ट्रकुटा राजा था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम, उसने एलोरा की गुफा के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल, एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल का हिस्सा भी दिया गया है। औरंगाबाद जिले में ही आते हैं, यहाँ पर कैलाश मंदिर है भगवान शिव का, हमने अभी बात की। ठीक है, तो ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। गुफा नंबर 16 है जहां पर ये मंदिर है। ठीक है, गुफा नंबर 16 है जहां पर ये मंदिर है। चलो, जीवित प्रणाली में संख्या के अनुसार सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? जल्दी बताओ जरा, जीवित प्रणाली में संख्या के अनुसार सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? जल्दी बताओ। चलो देखो, हाइड्रोजन, कौन सा? हाइड्रोजन। चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जल्दी बताओ जरा, ट्रांसवर्स वेव है। जल्दी बताओ जरा, देखो इसका आंसर क्या आता है? ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट टू बी क्रिएटेड?
बनाया जाने वाला पहला भाषाई राज्य कौन सा था? जो बनाया जाने वाला पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरला? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरला, जल्दी बताओ जरा। बनाया जाने वाला पहला भाषाई राज्य कौन सा था? फर्स्ट स्टेट टू बिकम ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। बिल्कुल सही भरत, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनाया गया 1953 के अंदर, 1953 के अंदर, ठीक है, 1953 के अंदर यह मद्रास के तेलुगु भाग से अलग बनाया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, जयपुर। देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, जयपुर, जल्दी बताओ जरा। भारतीय सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। साथियों, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए, ये कहां पर है? देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में है, ठीक है। इसे 1767 में सेटअप किया गया था, 1767 में इसे सेटअप किया गया था। चलो, अगला प्रश्न क्या है? तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अधिक लवणता के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है, जल्दी बताओ जरा। चलो, इसका आंसर क्या होता है? नागपट्टिनम। क्या इसका आंसर बनता है? नागपट्टिनम। चलो, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जल्दी बताओ जरा। चलो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। चलिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, या अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों का बढ़ावा देना, जल्दी बताओ जरा। इसका आंसर क्या बनता है? ए इसका आंसर बनता है। चलो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय द बोटेनिस्ट, बताओ। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को कौन से वनस्पति शास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी? वनस्पति शास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जल्दी बताओ जरा। देखो, ये स्वीडिश के वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने, ये बोटेनिस्ट जिन्होंने ये किया था। चलो, ललित कला अकादमी किसके प्रचार के लिए समर्पित है? ललित कला अकादमी, जल्दी बताओ जरा। ललित कला अकादमी। साथियों, एक बार मिलकर सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। चलो, एक बार मिलकर सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, एक बार सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, देखो, ललित कला अकेडमी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1954 में इसका गठन किया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये ललित कला के लिए ही प्रसिद्ध है, उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए। चलो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका गठन कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इस बात को याद रखना, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में याद रखना जरूरी है। चलिए,
देखो इसका गठन 1961 में हुआ, स्विट्जरलैंड के अंदर एक ग्लैंड जगह है जहां पर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे इसके फाउंडर्स है, इसलिए हमें फाउंडर्स के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हमारे देश में जीव जंतु हैं, हमारी दुनिया में जीव जंतु हैं, हमारी दुनिया में पेड़ पौधे हैं, उन सब की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उन सभी प्रजातियों का संरक्षण करना, बचाना, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसके लिए ही एक ये प्रयास के रूप में काम करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अरुंधति रॉय किसके लेखक हैं? अरुंधति रॉय किसके लेखक हैं? चलिए देखो इसका आंसर क्या बनता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इसका क्या आंसर बनता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलो, धातुओं का राजा, किंग्स ऑफ मेटल, धातुओं का राजा कौन है जल्दी बताओ जरा, किंग्स ऑफ मेटल कौन है? इसका आंसर क्या बनता है, गोल्ड इसका आंसर बनता है। चलो, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिशन, द पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कहां एस्टैब्लिश किया गया था जल्दी बताओ जरा, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। देखो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में, ठीक है। सबसे पहला बायोस्फीयर नीलगिरी कहां पर है, यहां पर पश्चिमी घाट के पर्वत आके रुकते ना एक बार, तो यहां पर नीलगिरी के क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर बना। दूसरा क्या था, नंदा देवी, दूसरा। उसके बाद तीसरा क्या था, नोक्रेक, और चौथा कौन सा था, ग्रेट निकोबार। इसका चौथा था। आज के समय पूरे भारत में कुल मिलाकर अठारह बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये IUCN कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस बात को याद रखना, ये IUCN कैटेगरी के अंदर आते हैं। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंतर्गत ये आता है, याद रखना। ये प्रोग्राम उनके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। चलो, ये कुल मिलाकर 122 देशों में फैला है, जहां पर कुल मिलाकर 686 बायोस्फीयर रिजर्व आज के समय में ये घोषित कर चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, कोई झील भी हो सकती है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, कोई प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकता है, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी एरियाज भी ये हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, रेगिस्तान के पास का क्षेत्र हो सकता है, समुद्र के पास का क्षेत्र हो सकता है, कोई बड़ा जंगल हो सकता है, हॉटस्पॉट एरिया हो सकता है। चलो, हु कंपोज द अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद स्तंभ अभिलेख बताओ जरा, अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन। देखो, ये सबसे पहली बात तो अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। यहां पर अशोका का स्तंभ भी पाया जाता है, याद रखना, यहां पर अशोका का स्तंभ भी पाया जाता है, जल्दी बताओ। चलो, Thank you.
कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? देखो समुद्रगुप्त, देखो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का रिलेशन अशोका से भी है, जहांगीर से भी है और समुद्रगुप्त से भी है। समुद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध कवि था जिसका नाम क्या था? हरिसेना। जिसका नाम क्या था? हरिसेना। समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध कवि जिसका नाम क्या था? हरिसेना। यहां पर उसकी ब्रेवी, मतलब ब्रेवरी का मतलब उसकी वीरता के बारे में लिखा गया है। चलो अगला प्रश्न क्या है? किमोनो किस एशियाई देश की पोशाक शैली है? किमोनो किस एशियाई देश की पोशाक शैली है, ये बता दो जरा। चलो किमोनो किस एशियाई देश की पोशाक शैली है, जल्दी बताओ। चलो देखो ये जापान की है। किसकी है? जापान की। किसकी है? जापान की ये शैली है, इस बात को याद रखना। चलो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पैट का अभिमन्यु बैच 699 रुपए में लॉन्च किया गया है। इसकी डिस्काउंट को 15% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। तो अब आपको रैंक 15 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रैंक 15 15 से 21 हो गया। इसमें आपको 270 रुपए की पेट की एक पुस्तक फ्री मिलेगी। साथ में आपको जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे या एक्सपीरियंस टीचर्स के बनाए हुए नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सपीरियंस टीम आपको प्रोवाइड की जा रही है। 699 रुपए का कोर्स है और सिर्फ 45 दिन का संघर्ष है। सब कुछ छोड़ दो, इसमें लग जाओ और मेहनत करो, आगे बढ़ जाओ और यही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए साथियों अंत करेंगे आपके आज के सेशन का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को जरूर शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इस बार यूपी में चुनाव के कारण बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसके लिए इस साल 20 अगस्त को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा आपको पास करनी होगी। इस परीक्षा में लगभग 20,73,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो आपके और आपकी सरकारी नौकरी के बीच के पहले पड़ाव पीटी में नैया पार करवाने के लिए एग्जामपुर भारत की सबसे धुरंधर टीम के साथ आपके लिए लेकर आया है टारगेट 45 दिन अभिमन्यु बैच, जिसमें ना सिर्फ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, बल्कि गुरु की गाइड भी, जिसका मूल्य 270 रुपए है। वह इस कोर्स के साथ आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जाएं प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और ज्वाइन करें अभिमन्यु बैच।